गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओप्पो F9 प्रो के साथ कंपैरिजन करेंगे होनर प्ले। दोस्तों फाइनली यहां पे ओप्पो F9 प्रो इंडिया में लॉन्च होगा 21 अगस्त 2018 और इस फोन की जो प्राइस होगा 20 से लेकर 25,000 के आसपास में आपको इंडिया में दिखने को मिल जाएगा। होनर प्ले एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा और दोस्तों इस फोन की जो प्राइस होगा 19,999 रुपीज में आपको होनर प्ले दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन में आपको बेस्ट फीचर मिलेगा प्राइसिंग के अकॉर्डिंग और दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन आपको 2018 में बेस्ट मिलेगा फीचर के अकॉर्डिंग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देखने के बाद आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन 2018 में लेना चाहिए और दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन में आपको बेस्ट फीचर के साथ दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए टेक 42 चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन के बारे में, लुक्स के बारे में और डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो दोनों फोन्स में आपको प्रीमियम डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको नॉच मिलेगा दोनों फोन्स में ही, लेकिन दोस्तों ओप्पो F9 प्रो में आपको जो नॉच मिलेगा बहुत ही छोटा सा, सबसे छोटा नॉच दिखने को मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप दिखने को मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो की नॉच में। और दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो में आपको फुल्ली ग्लास बॉडी डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स में आपको बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप, LED फ्लैशलाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा बैक साइड में। और दोस्तों होनर प्ले में आपको मिलेगा बैक साइड में फुल्ली मेटल बॉडी डिज़ाइन, जो काफ़ी प्रीमियम दिखने के साथ साथ ही आपको बहुत ही ड्यूरेबल स्मार्टफोन दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से होनर प्ले में आपको बहुत ही ड्यूरेबल स्मार्टफोन दिखने को मिल जाएगा मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ। और दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम ग्लास बॉडी डिज़ाइन, फुल्ली ग्लास बॉडी डिज़ाइन के साथ ओप्पो F9 प्रो दिखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा विद एस्पेक्ट रेशियो 19:9। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ओप्पो F9 प्रो में आपको ऑलमोस्ट 90% मिल जाएगा। और जहाँ पर बात की जाए होनर प्ले की तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिखने को मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे दोनों फोन्स की रैम रोम चिपसेट के बारे में बात की जाए तो ओप्पो F9 प्रो में आपको मीडियाटेक हीलियो P60 के साथ 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी और एक वेरिएंट होगा 6GB विद 64GB इंटरनल मेमोरी दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों होनर प्ले में आपको मिलेगा हाई सिलिकन किरिन 970 चिपसेट, जो एक फ्लैगशिप चिपसेट होगा। और दोस्तों वो भी अपना खुद का चिपसेट, बहुत ही बेहतरीन चिपसेट होगा, स्नैपड्रैगन 835 के साथ कम्पीट करेगा हाई सिलिकन किरिन 970। और इसमें भी आपको 4GB का रैम, 64GB का इंटरनल मेमोरी और एक वेरिएंट होगा 6GB विद 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो P60 कम्पीट करेगा स्नैपड्रैगन 660 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे चिपसेट के हिसाब से हाई सिलिकन किरिन 970 काफ़ी अच्छा होगा हुआवे की होनर प्ले में। गाइस यहाँ पे दोनों फोन्स में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में। 16+2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, फ्रंट में आपको AI पावर 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में। होनर प्ले में मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ओप्पो F9 प्रो में आपको काफ़ी अच्छा बैक साइड का कैमरा दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो एपेचर होगा F1.9 एपेचर के साथ दिखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 25 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिल जाएगा। होनर प्ले में आपको जो एपेचर मिलेगा 16 मेगापिक्सल का मेन RGB सेंसर F2.2 एपेचर के साथ दिखने को मिल जाएगा। गाइस ओप्पो F9 प्रो में आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाएगा विद VWC फर्स्ट चार्जिंग, जो 5 मिनट चार्ज करने पे आपको पूरा मिल जाएगा 2 आवर का टॉक टाइम। दोस्तों होनर प्ले में आपको मिल जाएगा 3750 mAh की बैटरी फर्स्ट चार्जिंग मिलेगा होनर प्ले में। दोस्तों लेकिन होनर प्ले में आपको काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी मिल जाएगा GPU टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ, और दोस्तों किरिन का 970 चिपसेट जो काफ़ी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ओप्पो F9 प्रो में आपको हाईलाइटिंग फीचर इस फोन का डिस्प्ले, और दोस्तों यहाँ पे आपको VWC फर्स्ट चार्जिंग इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर दिखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर होने के साथ साथ ही आपको दोनों फोन्स में फेस आईडी की सिक्योरिटी मिल जाएगा। तो गाइस मेरे हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में यही थी। दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों फोन्स में आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, और दोस्तों
प्रोसेसर के हिसाब से और चिपसेट के हिसाब से आपको हार्डवेयर अच्छा मिलेगा Honor Play में, और दोस्तों Oppo F9 Pro में आपको कैमरा अच्छा मिलेगा, डिज़ाइन अच्छा मिलेगा, और दोस्तों VOOC फर्स्ट चार्जिंग जो काफ़ी अच्छा होगा Oppo F9 Pro में। सो गाइस, मेरे हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में यही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और दोस्तों कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से बेस्ट होगा। सो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।